तेरी ये हम करके मस्त लाई कर रहे ने। मैं तो बुड्ढा समझ रही सी, इतने बाहुबली निकले। अब पीजे असि तो बस इतने तक सोच रहे हैं कि थोड़ी होने वाली सस भजे है जे नहीं, पर एक बार सोच के देखो जे 1% हीर भजी है तो और एक कदम चुकन पीछे की वजह होएगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੀਰ ਤੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। लगता है दिलजीत जी ने इन्हों दसिया ही नहीं कि वह मेरी हीर नाल कितना प्यार करते ने। नहीं मेरा मतलब है कि दोनों बच्चे थोड़ी ना, कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होएगा। ताई ते शगन वगैरह सब होया तो जे हीर नू थोड़ा भी इतराज हुंदा इस रिश्ते तो सब तो पहला मैनू दस दी ना। चलो चलो ठीक है, मान ली तो हड्डी गल, पर तुसी ये दसो कि वो अचानक कित्थे गायब हो गई फंक्शन चो। चल हीर हुण तू भी अपना रूप विखा दे। सॉरी जी, तू मेरे नाल है या इन्हां दी टीम च है? नहीं नहीं मैं तुहाडे नाल ही हां। ओह वो तो मैं गलती नाल मारता सी। लास्ट टाइम ना असीं हीर नूं मेहंदी वाली नाल वेख्या सी, वो मेहंदी लगवाण बैठी सी। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰ ਆਪ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ
फिर तो साफ ही है कि वो अपनी मर्जी नाल इस घर चो बाहर गई है। ऐदा किदा आपे चली गई, रब ना करे, हो सकता है कि वो वॉशरूम गई होवे ते उत्थे उहदे नाल कुछ ऊंच नीच हो गई होवे, या फिर कोई है जिहड़ा चाहता है कि यह विआह ना होवे। उन्हें कुछ किया होए सानू कूर कूर के क्यों देख रहे ने, किते दस ना दे के असी चुप चाप खलोते रहो, जे ज्यादा बोलांगे ना तो साढ़े ते शक जाएगा। पर कौन कौन है ब्याह तोड़न की कोशिश करेगा? कोई जड़ा चाहता है कि यह ब्याह ना होवे। मेरा मतलब है कि ऐदां दे खुशी दे मौके दे उत्ते हर कोई खुश नहीं हुंदा। तुसी इन्ने वड्डे लोक हो, की पता किन्ने दुश्मन होणगे तुहाडे जिहड़े तुहाडी खुशियां तों सड़दे होणगे। हो सकदा है उहनां चों किसे ने कुछ कीता होवे। बस बहुत हो गया, हुण सोचण दी लोड़ नहीं कि हीर किद्दां गई किथे गई। नाले एक दूजे दी उंगली उठाउण दी बजाय सी, हां देखिए सानूं पुलिस नूं खबर कर देनी चाहीदी है। हाँ हाँ, पुलिस नूं दस देना चाहिए। पुलिस आपे आके ना तहकीकात करेगी, फिर सारा दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाएगा। चल छोटे, इस तो पहला के पुलिस आ जावे, जेती बाजी तो। बस लेडी भी शांत, बच गए ना। अच्छा पुलिस कित्थे? कोई पुलिस नहीं आ रही। ओहो, पर तुसी ते कहा सी पुलिस बुलाइए। कोई पुलिस नहीं आ रही, मैं झूठ बोले सी। है पर झूठ क्यों बोलिया? जो गुंडे पुलिस का ना सुन के ना भजदे पे। ऐदा किदा पुलिस नूं ले आंदा? मैंने कोई सपना आ रहा सी। कहते सब चल रहा है, एक तो तू अचानक गायब हो गई, अब तो किसी ने कोई खबर भी नहीं सी। तू वैसे इस जगह पे आई किता? मेरा मतलब मैं थी तो सीधा इस सुनसान गोडाउन च किता? ओ मैं गलत गड्डी च बैठ के इत्थे आ गई। गलत गड्डी च? वैसे तू किसी गड्डी च बैठी क्यों? तू तो मेहंदी लवा रही सी ना, फिर अचानक मेहंदी छड़ के बाहर क्यों निकली? हीर तू सच्ची जिन्ना दूर भजेंगी ना उन्ना फसती जाएंगी, हिम्मत कर ते सच सच दस दे। ओ मैं ये मेहंदी छड़ के भज रही सी। मैं व्याह नहीं करना। की तू इत्थे पच के आई अपनी मेहंदी छड़ के, ताकि ये व्याह टूट सके? सॉरी पर मेरे कोल होर कोई राय नहीं सी। मैं तो बहुत कोशिश की थी तुहानू समझाउण दी कि ये रिश्ता सही नहीं है, साडा कोई मेल ही नहीं है। ये रिश्ता एक भूकंप वांगू होएगा जो सब कुछ हिला के रख देगा, पर तुसी मेरी गल सुनने लई तैयार ही नहीं सी। तू उस दिन आप फुल लेके आई सी,
मैनू लगे कि खुश है इस रिश्ते तो। ओ मैं थानू ए देन आई सी। पर किस लिए? आज तक मैं जो कुछ भी किता है या करांगी बस उसके लिए। ओ फुल ओ तो मैं गिल्ट च लेके आई सी। मैनू बुरा लग रहा सी कि मैं रिश्ता तोड़न वाली हाँ। मैं थोड़े नाल बहुत बदतमीजी की है तो थोड़ा मूड भी बहुत बारी खराब किया है। तो जे अगे जाने अनजाने कुछ पुट्ठा सीधा कर दा बस उस लिए। नाले मैं थोड़े नाल गल करन दी कोशिश भी की सी। मैं थोड़े नाल कुछ गल करनी सी। हाँ बोल की होया की कहना सी? मैं तो बस यही पूछ रही सी तुसी ठीक हो ना? पर तुसी मेरी गल ही नहीं सुनी। मैं क्या जाके गड्डी चुप है? हीर सच्ची गायब है ते दिलजीत दा भी कुछ पता नहीं। मैंने लगता है जगजीत ठीक कह रहा है। सानू पुलिस नू खबर कर देनी चाहिए थी। बीजी इहदे च पुलिस नू बुलाने दी की लोड़ है? जे हीर अपनी मर्जी नाल भज्जी हुई फिर ते नाले वैसे भी साडा इहो जिहा कोई दुश्मन भी नहीं है जिहड़ा साडा फंक्शन खराब करना चाहे। इसलिए मैनू नहीं लगता कि सानू पुलिस नू बुलाना चाहिए। जे मीडिया वालों पता लग गया तो कल की हेडलाइन के बंदा हाउस ही होगा। भाभी ने बिल्कुल करैक्ट गल कही है। डीजे नू भी यह चंगा नहीं लगेगा। सानू उन्हां दा वेट करना चाहिए या एक बार उन्हां नाल गल हो जाए। मैं थोड़े सारे की गल समझ रहा पर तुसी मेरी हालत भी तो समझो। मेरी धी गायब है तो तुसी कह रहे हो कि मैं चुपचाप बैठा इंतजार करता रहा। मैं थोड़ी गल समझ रही हूँ। मैं भी हीर की उन्नी फिक्र है। तुसी पुलिस नू खबर करो। इस वक्त मीडिया की सोचती है की छापती है मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हीर का मिलना ज्यादा जरूरी है। तुसी रुके क्यों हो? छेती पुलिस को फोन करो। बीजी डीजे ने बिना दसे एवं पुलिस नू सदना ठीक नहीं आ। वो गुस्सा करनगे। दिलजीत ना मैं आपे गल कर लवांगी। इस वक्त
हीर लभनी जरूरी है। पर बीजी जे हीर अपनी मर्जी नाल भज गई हुई तो साड़ी कितनी बदनामी होगी। हद है, इत्थे मेरी धी गायब है ते तुहानू बदनामी दी पई है। वैसे भी ना मेरी हीर भजन वाले चो नहीं है, वो जरूर किसी ना किसी मुसीबत होएगी। तुसी फोन करो जी पुलिस नू। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, नहीं नहीं पुलिस इत्थे नहीं आनी चाहिए। जे पुलिस इत्थे आ गई तो मैं बुरी तरह फंस जावांगी ते डीजे नू सब पता लग जाएगा ते उन्होंने मैनू कदे माफ नहीं करना। ओ नो हुण की होएगा, मैनू तो उही सोच सोच के टेंशन हो रही है। एक बारी पुलिस इत्थे आ जावे सी पुराने तो पुराने राज भी जुबान ते आ जाणगे ते नाले तिने देवियां घोवा च सब सच बोल देणगियां। हाय रब्बा, पता नहीं मेरी धी कित्थे है, किद्दां है, किस हाल च है। बाबा जी मेर करना, उन्हें कुछ ना होए। ओह नो, हुण की होएगा। शुक्र वापस आ गए। हीर मेरी बच्ची, तू तो साड़ी जान ही काटती सी पुत्र, ठीक है ना तू? ही डीजे नू हीर कित्थों मिल गई? बस ये हीर अपना मुंह ना खोले, जे हीर ने मेरा प्लान डीजे नू दसता ता पता नहीं की होएगा। आज तक मैं हर थां तो फसन वाली हूँ। हीर, तू ऐसा कितना किते भी चले जाती है, थोड़ा तो ध्यान रखिया कर। तुसी ठीक हो ना दी? सिमरन पपीता कह रही सी कि कुड़ी ते कदे भी नहीं आएगी, ते हुण इत्थे किद्दां आ गई? पता नहीं मैनू। तू ठीक है ना मेरी बच्ची? लख लख शुक्र, लख लख शुक्र है तू ठीक। पर हीर तू अचानक इतना गायब कितने हो गई सी? हाँ पुत्र, तू इतना कितने चली गई सी?